नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार की सियासत में कुछ चल रहा हो या ना हो, लेकिन पोस्टर बार भयंकर रूप से चल रहा है। दरअसल रोज नए नए पोस्टर आरजेडी और जेडीयू की तरफ से जारी किए जाते हैं और पटना के अलग अलग जगहों पर लगाए जाते हैं। फिर एक नई पोस्टर देखे जिसमें कि तेजस्वी यादव को सिंहासन पर बैठाया गया है और जिक्र घोटालों का किया गया है। सबसे पहले जो ऊपर जो हेडलाइन दिया गया है वो देखिए कि भ्रष्टाचार के जन्मदाता, घोटालों की निशानी, संपत्ति बटोरने की अंतहीन कहानी। ये जो लाइन है वो तेजस्वी यादव और लालू यादव के लिए लिखी गई है और नीचे पॉइंट्स वाइज गिनाए गए हैं। सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है, खोखा कंपनियों के जरिए अकूत बेनामी संपत्ति का जिक्र है और दूसरे जो जिक्र है वो दान के मुखौटे से जमीन और मकान हथियाने का गोरख धंधा। तीसरे पॉइंट्स में लिखा गया है 141 भूखंड और 30 फ्लैट एवं 5 मकान अर्जित, 3 पीढ़ियों का इंतजाम, संपत्ति बटोरने की लीला निराली, तुम मुझे ज़मीन दो मैं तुम्हारा काम करूँगा, रंग चोखा करने का नायाब नुस्खा। तो उसके बगल में लिखा हुआ, घपला घोटाला इरादा आम जन का हुआ यह विश्वास दृढ़, बात यही है सही कही अनकही, शान से ना कहो कुछ खाया नहीं था हमने, बिल्लियाँ कब से दूध की पहरादार होने लगी। कुल मिलाकर कहें तो पूरी तरीके से निशाना जो है आरजेडी की ओर है, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को लेकर है निशाना साधा गया है। और साथ ही कहा गया जिस तरीके से डम्मी कंपनियों के जरिए अंकुत संपत्ति बनाई गई उसका जिक्र है, फ्लैट का जिक्र है, जो जमीन ली गई उसका जगह। कुल मिलाकर कहें तो आरोप सीधे तेजस्वी यादव और उनके पिता लालू यादव पर है और बताया गया है इस पोस्टर के जरिए किस तरीके से लालू यादव ने 3 पीढ़ियों का इंतजाम कर लिया है, संपत्ति बटोरने में उनकी लीला निनाली है। और एक नारा भी दिया गया, तुम मुझे ज़मीन दो मैं तुम्हारा काम करूँगा। रोज़ नए पोस्टर जारी हो रहे हैं, कभी आरजेडी की तरफ से, कभी जेडीयू के पोस्टर जारी हो रहे हैं। आपको बता दें कि आरजेडी के जो पोस्टर जारी होता है वो आरजेडी कार्यालय के बाहर लगाया जाता है और जेडीयू की तरफ से जो पोस्टर जारी किया जाता है वो इनकम टैक्स चौराहे पर लगाया जाता है और आज इसी कड़ी में नए पोस्टर जारी किए हैं। इसकी शुरुआत, दरअसल बिहार पोस्टर बार की शुरुआत तब से हुई थी जब सबसे पहले जब जेडीयू ने पोस्टर के जरिए नारा दिया था 15 साल बनाम 15 साल, यानी कि हिसाब दो और हिसाब लो 15 साल का नारा दिया था। उसके बाद से काउंटर करते हुए आरजेडी ने भी पोस्टर जारी किया था। उसके बाद बैक टू बैक फायर जो पोस्टर के जरिए बिहार की सियासत में लगातार जारी है और इस कड़ी में आज जो पोस्टर जारी किया गया है उसमें तेजस्वी यादव को सिंहासन पर बैठाया गया है और जिक्र उनके घोटालों का, जिक्र किस तरीके से मकान और ज़मीन की अकूत संपत्ति का इंतज़ाम किया गया और जिक्र लालू प्रसाद यादव ने कैसे 3 पीढ़ियों का इंतज़ाम किया उसका भी जिक्र है। और अंत वो गतवा नीचे एक शायरी के जरिए लिखा गया है, शान से न कहो कि कुछ खाया नहीं था हमने, बिलिया कब से दूध की पहरादार होने लगी। अब इसके जवाब में भी एक काउंटर आएगा और वो आरजेडी की तरफ से पोस्टर जारी किया गया। कुल मिलाकर कहें तो पोस्टर बार बिहार में पूरे चरम पर है। लगातार जो सवाल पूछे जा रहे हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, सब कुछ पोस्टर के जरिए ही हो रहा है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। अभी तक के लिए इतना ही।